आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज दो मुकदमात बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने मुकदमात से बरी कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने बरी कर दिया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बानी और शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने दो मुकदमात से बरी कर दिया है। इसके अलावा असद उमर अली मोहम्मद खान समेत दीगर को भी अदालत ने बरी किया है। आपको बताएं कि आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज दो मुकदमात में तहरीक इंसाफ के बानी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर अली मोहम्मद खान और दीगर को अदालत ने बरी कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बानी को अदालत ने दो मुकदमात से बरी कर दिया। इस हवाले से मुझे अपडेट देते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहजेब मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मलिक साहब, अपडेट कीजिएगा। देखें, पीटीआई की आदत के खिलाफ जो आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ और दफा 144 खिलाफ वर्जी पर दर्ज दो मुकदमात थे, तो आज असद उमर अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को अदालत ने जो उनसे बरी कर दिया है। बानी पीटीआई और शाह कुरैशी को भी जो अदालत ने इन जो दफा 144 मुकदमात थे उन पर उसमें बरी कर दिया है। आज जुडिशल मिस्टर एहतशाम आलम ने बरीयत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान, नईम अहमद बंदोचा, सरदार मसरूफ और आमना अली और दीगर जो वकला थे वो अदालत के सामने पेश हुए। असद उमर अदालत के रूबरू पेश हुए और बानी पीटीआई शाह कुरैशी और दीगर रहनुमा वकला थाना गोलरा में जो तोड़फोड़ दफा 144 मुकदमात थे उनके खिलाफ वर्जी के हवाले से आज बानी पीटीआई और शाह कुरैशी समेत असद उमर अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को अदालत ने बरी कर दिया है। जी